सो वी हैव सम जेनेटिकल टर्म्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टर. सो व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर? कैरेक्टर मीन्स एनी हेरिटेबल फीचर्स अमंग द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज कैरेक्टर्स. एंड कैरेक्टर्स इसी का अलग अलग वेरियंट्स, अलग अलग फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेट्स बोलते हैं. तो वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेट बोलेंगे. जैसे हमारे पास क्या है, मैंने क्या बोला कैरेक्टर्स के बारे में? एनी हेरिटेबल फीचर्स अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड एज कैरेक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एन एग्जांपल ऑफ आई कलर. एज यू हैव सीन और यू हैव हर्ड अबाउट ब्राउन कलर, ब्लैक कलर और ब्लू कलर आईज. याद होगा ब्लू आईज हेप्नोटाइज. इन नेक्स्ट वी हैव हेयर पैटर्न. इट मे बी कर्ली, इट मे बी सिल्की और स्मूथ. इन नेक्स्ट वी हैव ईयर लोब, फ्री ईयर लोब और अटैच्ड ईयर लोब. स्किन कलर मतलब पिगमेंटेड कलर, डार्क ब्राउन कलर और इट मे बी लाइट ब्राउन, इट मे बी कंप्लीट वाइट कलर, दैट इज एल्बिनिज्म. इन नेक्स्ट इसी का अलग फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं. वेरिएंट्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर, वेरिएंट्स ऑफ कैरेक्टर को हम लोग बोलते हैं ट्रेट. जैसे अगर हमने क्या लिया, आई कलर लिया, तो आई कलर में आपके पास ब्राउन आईज हो सकते हैं, ब्लू आईज हो सकते हैं और ब्लैक आईज भी हो सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फैक्टर्स. फैक्टर्स क्या होता है? इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक कैरेक्टर्स को ट्रांसफर कराता है. इसी को मेंडल ने इनको फैक्टर्स नाम दिया था. इसको हम लोग एलिमेंट भी बोलते हैं. जोहेंसन ने इसके लिए, जोहेंसन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज जीन टर्म्स फॉर दिस फैक्टर. जो मेंडल ने कहा था, जिन अपने अपने डिस्कवरी में जिसने जिस चीज को उसने फैक्टर कहा था कि देर इज समथिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इट इज कॉल्ड एज फैक्टर्स. तो जोहेंसन ने उसको क्या बोला? जीन बोला. बेसिकली इट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर इन द नेक्स्ट जनरेशन, इट इज कॉल्ड एज फैक्टर्स. नाउ इट इज कॉल्ड एज, इट इज रिफर्ड एज जीन्स. इनिशियली इट इज कॉल्ड एज, इट इज रिफर्ड एज फैक्टर्स और एलिमेंट्स. नाउ इट इज, नाउ वी कॉल देम एज, नाउ वी कॉल इट एज जीन्स. द जीन टर्म वॉज गिवन बाई जोहेंसन. द जीन टर्म वॉज क्वाइंड बाई जोहेंसन. द जीन टर्म वॉज क्वाइंड बाई जोहेंसन. सो वी हैव नेक्स्ट टर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर कंप्लीटिंग द टर्म फैक्टर और एलिमेंट. जो मेंडल ने अपने डिस्कवरी के दौरान जिस जिन चीज़ों को फैक्टर्स बोला था, एलिमेंट्स उन्होंने वो कहा था, उसको जोहेंसन ने 1909 में जीन बोला. क्या बोला उसको? जीन. सो बेसिकली द टर्म जीन वॉज क्वाइंड बाई जोहेंसन इन 1909, 1909 में. मेंडल यूज द टर्म एलिमेंट और फैक्टर्स फॉर दिस थिंग्स विच आर बेसिकली ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. इन नेक्स्ट वी हैव मॉर्गन. ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु सिंबलाइज टू रिप्रेजेंट द फैक्टर्स. लाइक ही यूज कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर्स एज वेल एज रिसेसिव कैरेक्टर्स. वी विल डिस्कस इट लेटर. वी हैव डोमिनेंट कैरेक्टर एज वेल एज रिसेसिव कैरेक्टर. इन नेक्स्ट टर्म वी हैव एलील. इट इज द अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ अ जीन विच आर लोकेटेड ऑन द सेम पोजिशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोजोम. लाइक दिस इज द होमोलोगस क्रोमोजोम, दिस इज द होमोलोगस क्रोमोजोम, दिस इज द सेम पोजिशन. लाइक आई एम सिक्वेंसिंग इट लाइक एज 1, 2, 3, 4, 5. हियर द पोजिशन इज सेम.
1, 2, 3, 4, and 5. If the, for example, here it is the gene which are responsible for the height of organism, like in plants, height, it is a character. Height has two forms. One is responsible for tallness, another is responsible for dwarfness or the shortness. So basically, if it is present here capital T or it may be small t, that is basically ये किसके लिए है, height का character है, उसके लिए gene responsible है T. T का दो form है, तो T क्या है, gene है, और capital T small t क्या है, इनके अलग अलग form है, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं alleles. तो what I said, it is the alternative forms of a gene which are located on same position on the homologous chromosome. These are the homologous chromosome. Here position is same locus or the same position, that is basically genes present है, उसके अलग अलग form है, capital T, small t, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, alleles बोलेंगे. Once again, genes के अलग अलग form को हम लोग बोलते हैं alleles. क्या ये दो ही form हो सकता है? नहीं, एक जीन का एक दो से ज्यादा भी फॉर्म हो सकता है. आपने नाम सुना होगा प्लियोट्रॉपिक जीन और मोनोट्रॉपिक जीन, मतलब जीन्स कैन बी रेगुलेटेड बट इट हैज ओनली वन फॉर्म, और इसका कई सारे फॉर्म भी हो सकते हैं. जैसे अगर हम लोग बात करें ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुपिंग, इसके अंदर जो जीन आई होता है जो ब्लड ग्रुप को रेगुलेट करता है, इसके तीन फॉर्म होते हैं, आई ए, आई बी एंड आई नोट. उन दो किसी दो के कॉम्बिनेशन से एक ब्लड ग्रुप बनता है, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनकमिंग क्लासेस इनकमिंग वीडियोस में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो हम लोग इसको बोलते हैं एलील्स. द टर्म एलील वाज गिवन बाय डब्ल्यू बेटसन, इसलिए मैंने कहा था डब्ल्यू बेटसन का योगदान पूरे जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा है, वैसे मॉर्गन का भी बहुत सारा है. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड,